नमस्कार, डीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं डी शर्मा। प्रतिदिन की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए 9 बजे करंट अफेयर्स। आज दिनांक 29/2/2020 दिन शनिवार है। आज का क्या है करंट अफेयर, स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपना परिवार डीएस स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू डी एस स्टडी बाय डी शर्मा। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान संपदा परियोजना के तहत कितने परियोजनाओं को मंजूरी मिला है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए 32। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिकीकरण करना जिससे अधिक उत्पादन हो सके। और यह परियोजना किस राज्य में सक्रिय होगा, तो यह परियोजना 17 राज्य में सक्रिय होगा। इस परियोजना के लिए कितने रुपये का आवंटन किया गया है, तो इस परियोजना के लिए 406 करोड़ रुपये फंड मंजूरी मिल गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विधानसभा में बजट पेश किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए हरियाणा। दिनांक 28 फरवरी 2020 को हरियाणा के सरकार मनोहर लाल खट्टर ने विधानसभा में 1,42,34,378 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट की खास बात आपको ये है कि उन्होंने कोई भी सूटकेस लेकर बजट पेश करने के लिए नहीं आए थे। सूटकेस के जगह में था क्या उनके हाथों में, तो वो टैब लेकर आए थे। उन्होंने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कदम उठाए थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, वह कौन सा देश है जो हाल ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के प्रस्ताव से अलग हो गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी श्रीलंका। चलिए जानते हैं कुछ और, संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त मिशेल बेसलेट है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही देश में पहली बार आयोजित किए जा रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स का शुभारंभ किस राज्य में किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए ओडिशा। चलिए जानते हैं इस खेल का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इस गेम्स का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल और शिक्षा के बीच संतुलन को स्थापित करना। और इस गेम का खास बात क्या है, तो इस गेम की खास बात ये है कि इसमें जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी चुने जाएंगे उन्हें 8 वर्षों तक 5 लाख वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा आपके सामने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस यूनिवर्सिटीज को नाम बदलने की मंजूरी दे दी है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी ख्वाजा मोइद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी। चलिए जानते हैं इसके बारे में और, इस यूनिवर्सिटी का वर्तमान में क्या नाम है, तो इस यूनिवर्सिटी का वर्तमान में ख्वाजा मोइद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी यूनिवर्सिटी है। प्रस्ताव के अनुसार अब उसका नाम रखा जाएगा ख्वाजा मोइद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, रितेश अग्रवाल जिन्हें हाल ही दुनिया के दूसरे सबसे युवा अरबपति के रूप में नामित किया गया है, किस भारतीय स्टार्टअप कंपनी के संस्थापक हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी ओयो। आपको हम बता दें कि रितेश अग्रवाल ओयो होटल के संस्थापक हैं, जिसका उम्र मात्र 24 वर्ष ही है, जो दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति के रूप में नामित हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य
ने जाति आधारित जनगणना के लिए प्रस्ताव पारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी बिहार। बिहार के नीतीश कुमार विधानसभा जाति आधारित जनगणना को पास किया था विधानसभा में, वहां पर सर्वसम्मति से पास हो गया। अब इसे केंद्र में भेजा जाएगा, देखना होगा वहां से क्या होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8। 2020 तक भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा ए 6 भाषा, जिन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल गया है। वो कौन कौन से 6 भाषा है उसे भी जान लेते हैं। नंबर 1 में हो जाएगा आपको तमिल, दूसरा हो जाएगा तेलुगु, तीसरा संस्कृत, चौथा कन्नड़, पाँचवा मलयालम, छठा ओडिया। एक और बढ़ने की संभावना है, वह भाषा कौन है? तो वह भाषा मराठी है, जिसे केंद्र से अनुरोध किया गया है कि उन्हें भी शास्त्रीय भाषा में शामिल किया जाए। अब देखना है क्या होता है, मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी विज्ञान में महिलाएं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का आयोजन कब किया गया? तो इसका आयोजन 28 फरवरी को किया गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 और आज का यह आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में किस भुगतान बैंक ने 2 करोड़ ग्राहक का आंकड़ा पार कर लिया है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च कब किया गया ये भी जान लेते हैं। तो इसका लॉन्च 1 सितंबर 2018 को किया गया था। इसे आधार प्रणाली से कब जोड़ा गया? तो इसे आधार प्रणाली से सितंबर 2019 में जोड़ा गया। साथ ही जब ये जोड़ा गया उसके साथ ही यह ग्राहकों को इंटर ऑपरेबल बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला देश का बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर अब कल रविवार को मिलेंगे इसी टाइम 9 बजे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।